आज सुबह ही सूचना आई है कि देश का निर्वाचन आयोग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। इसी पर हम बात करेंगे। इस देश में राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में अभिमान का विषय रहा कि अमूमन इस पद पर गुणी लोगों का ही स्थान मिला। हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी मेधा के, उनकी बुद्धिमत्ता के, उनके आचरण के, उनके दल के ही नहीं बल्कि विरोधी लोग भी कायल थे। बेहद विद्वान आदमी थे। उनके उत्तराधिकारी बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके संदर्भ में भी विद्वता का कहना क्या, इस देश में शिक्षक दिवस उनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। दर्शन शास्त्र के जिस प्रकार के वह प्रकांड पंडित थे, लोग अचंभित करते थे होते थे उनके ज्ञान को लेकर। यह सिलसिला रहा। लेकिन पिछले कुछ समय से राष्ट्रपति का पद योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर दिए जाने की परंपरा शुरू हो गई। यह बताया जाता है कि इस पद पर इस व्यक्ति को चुनकर हमने क्या संदेश दिया है। योग्यता के आधार पर व्यक्ति नहीं चुना जा रहा है। रामनाथ कोविंद कितने योग्य हैं, इस पर कभी बात नहीं की गई। बात की गई तो इस संदर्भ में कि देखो, एक दलित को हमने राष्ट्रपति बना दिया। दलित का राष्ट्रपति बनना महत्वपूर्ण है क्या? राष्ट्रपति के पद की अवधारणा में जाति धर्म को प्राथमिकता दिया जाना महत्वपूर्ण था? इस देश में हमने अब्दुल कलाम जी को भी राष्ट्रपति बनते हुए देखा। अब्दुल कलाम जी के संदर्भ में हमेशा ये बात कही गई कि एक बेहद विद्वान वैज्ञानिक, असीम योग्यता का धनी व्यक्ति इस पद पर पहुंचा। एक मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया गया है, ये बात देश में नहीं की गई। पर अब जब नए राष्ट्रपति के संदर्भ में बात की जा रही है तो बात यही की जा रही है कि दलित को मौका दे दिया गया है, अब की बार शायद आदिवासी को मौका दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के पद के संदर्भ में योग्यता के स्थान पर क्या जाति धर्म को प्राथमिकता दिया जाना संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या इससे तरह? इसी पर कुछ बात करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव देवेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा, ये राष्ट्रपति के संदर्भ में जो परिकल्पना थी, जो प्रावधान थे, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है और इस राष्ट्रपति के संदर्भ में अपेक्षा क्या होती है? देखिए, राष्ट्रपति का जो ये पद है, ये देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है जी, और जिसमें सारी योग्यताएं अपेक्षा की जाती है। हालांकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि वो बहुत एक परिपक्व व्यक्ति होगा जिसको समस्त चीजों का ज्ञान होगा और वो बहुत निरपेक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अभी तक तो प्रारंभ स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभिक दिनों में तो हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे स्टेट्समैन थे और राष्ट्रपति पद के लिए ज्यादा ऐसा खोज भी नहीं, ज्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे ऐसे स्टेट्समैन के ऐसे व्यक्तित्व की देश में मैं समझता हूँ कि कुछ अभाव सा हो रहा है, और वो इसलिए कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश का पूरी व्यवस्था ही जाति पर आधारित हो गई है जी। केवल न केवल विधायकों के पद या लोकल प्रतिनिधियों के पद, बल्कि सभी पद। इवन आपने देखा होगा, अब तो रीजनलिज्म में इतना बढ़ गया कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन होंगे वो केवल ऐसा ही उस पर्टिकुलर राज्य का होना चाहिए, जबकि उसकी अपेक्षा एक थी कि वो विश्व से कहीं पर भी चांसलर हो सकता है। लेकिन इस बहुत संकीर्ण दायरे में हम सब लोग उलझने लगे हैं, और अब तो राष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में भी चर्चा यही चल रही है कि साउथ से होना चाहिए या नॉर्थ से होना चाहिए। पिछली बार मुस्लिम था तो इस बार दलित होगा, इस बार दलित था तो इस बार ट्राइबल होना चाहिए, यानी। और फिर ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति के पद का पद के लिए जो चुनाव होना है वो अचानक से कोई एक आश्चर्यजनक नाम आ जाएगा, अर्थात अब वो सारी बातें खत्म हो गई। अब तो सारी बातें खत्म हो गई। मैं एक बात समझना चाहूंगा देवेंद्र वर्मा जी, आपने जैसे हमारी बातचीत में बताया कि ये देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, देश का सबसे बड़ा, और इसके बावजूद भी अब योग्यता कतई मायने नहीं रख रही है। धर्म, जाति, क्षेत्र, इलाका, ये मायने रख रहा है। आपसे जानना चाहता हूं कि क्या देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद के ऊपर पहुंचने के बाद
कोई दायित्व वगैरह नहीं है जिसके लिए योग्यता की चिंता की जाए, केवल जाति धर्म से ही काम चल जाता है। इस पर भी थोड़ा रोशनी मिले कि क्या राष्ट्रपति के तौर पर समारोह में बैठना, फीता काटना, बग्गी पर आना, इतने भर से काम चल जाता है, या राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसे दायित्व होते हैं देश के संदर्भ में जिसके लिए हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पहली प्राथमिकता योग्यता को मिले, बाकी चीजें गौण रहें। नहीं, सबसे पहले तो उसके पास तो बहुत से दायित्व होते हैं, अर्थात ये जो देश का जो विधि निर्माण होता है वो विधि निर्माण ही राष्ट्रपति के बिना नहीं हो सकता। विधि निर्माण के लिए आवश्यक है कि संसद और राष्ट्रपति जब तक उसके ऊपर अपने अनुमोदित नहीं करता तब तक कोई विधि निर्माण नहीं हो सकता। तो इससे बड़ा और इससे महत्वपूर्ण पद क्या हो सकता है जो पूरी देश की कानून व्यवस्था चलाने के लिए उसके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व के कौन सा लॉ उसको पास करना चाहिए। इवन यदि संसद में भी पास हो गया बहुमत के आधार के ऊपर तो राष्ट्रपति के पास पे ये एक विशेषाधिकार है कि वो उसको रिकंसीडरेशन के लिए फिर से वापस संसद को भेज सके। तो इतना महत्वपूर्ण पद है न केवल विधि के क्षेत्र में लॉ के क्षेत्र में बल्कि अनेक कई सिलेक्शन भी होते हैं जब हमें राज्यसभा में मनोनीत करना होता है कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन लोगों को, तो केवल एक सिग्नेचर मास्टर नहीं रहेगा बल्कि वो अपने विवेक का भी उपयोग करेगा, ठीक है, वो सलाह मशवरा करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद है केवल जाति आधार पे, और इसके ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत परिपक्व, मैंने सबसे पहले कहा था कि वो बहुत परिपक्व और निरपेक्ष भाव से बिना किसी भेदभाव के काम कर सके, ये उसमें सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन अब जैसा अभी चल रहा है कि अचानक कोई आश्चर्यजनक कोई नाम आएगा, तो जो आश्चर्यजनक नाम देने वाला होगा उसके प्रति तो वो व्यक्ति निश्चित तौर पर ये माधव स्वभाव है कहीं ना कहीं तो अनुग्रहित होगा ही। उसको भी पता है कि मैं कोई योग्यता से नहीं आया हूँ, मैं जब योग्यता से नहीं आया हूँ। कितनी अजीब सी बात है कि इस देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की अल्पमत की सरकार थी, मतलब उनके दल के अपने पर्याप्त वोट नहीं थे, तमाम समर्थन के आधार पर वह सरकार चल रही थी, और देश में भी समीकरण तब ऐसा नहीं था कि भले ही केंद्र में आपकी सरकार है पर राज्यों में आपका बहुमत हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा के विधायकों के वोट और सांसदों के वोट दोनों का ही महत्व है, दोनों के मतों के आधार पर यह निर्वाचन होता है। तब भी इस देश ने देखा कि महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जो है वह हमारे देश के राष्ट्रपति बने, यानी था योग्यता के सम्मान का प्रत्यक्ष उदाहरण हमने अपने देश में देखा था। अब तो इस देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 18 राज्यों में भीड़ की सरकार है। आशा ये कि एक योग्य व्यक्ति को चुनने के संदर्भ में कोई बड़ा अवरोध नहीं है। क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि दल जातीय हितों को छोड़कर, क्षेत्रीय हितों को छोड़कर केवल देश हित को प्राथमिकता देते हुए कोई ऐसा चेहरा सामने लाएगा जिसकी योग्यता पर लोगों को फक्र होगा और उसकी जातिगत पहचान के संदर्भ में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी? क्या इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में हम ऐसा दृश्य देख पाएंगे? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। देवेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर आज के इस बुलेटिन में इतना ही, जाएंगे एक छोटे से ब्रेक में, ब्रेक के बाद